जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं लक्ष्य मीडियावादी चैनल। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार कुछ नेता कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो चलिए इस बारे में जानते हैं। जैसा कि अक्सर फिल्मों में हमने देखा है कि एक नेता होता है और उसका बेटा होता है और चुनाव नजदीक आने वाले होते हैं और अचानक से नेता की मृत्यु हो जाती है और उसका बेटा अपने पिता की मृत्यु और उसके नेक कामों से उसका बेटा जनता के सामने कुछ डायलॉग बोल के और मगरमच्छ के आंसू बहाकर जनता को बहलाकर जनता की सहानुभूति प्राप्त कर वह चुनाव जीत जाता है। और चुनाव होने के बाद जो होता है वह किससे छिपा है, ठीक इसी प्रकार बिहार के जाने माने नेता जी की मृत्यु के बाद उनके बेटे ने उनके नाम पर जनता को बहलाने तथा बेवकूफ बनाने की कोशिश की है, तो चलिए इसको देखते हैं। अरे भाई, टेक्सचर अलग होते हैं हर किसी के बाल का। हर किसी के बाल का टेक्सचर तेरे खड़ा हुआ है क्या बाल? मैंने जो शुरू में बोला था ना फर्स्ट, हाँ वो वाला एकदम सही, एकदम कुछ मत जाओ डिटेल, वो भी मत जाओ ना उठा कुछ नहीं। हाँ सीजन को समर्थित कर, हाँ मैं एक काम करता हूँ, शुरू की लाइनें हैं ही, ठीक है, कट एडिट करेंगे। भाई एक सिंगल कैमरा ही शूट कर रहे हैं ना हम लोग, डबल कर दो क्या? सिंगल कैमरा, हाँ क्योंकि वो कट, भाई ये रिमोट है इसके लिए इतना पास आ ही गया तो रिमोट किस काम का। चले से आज़ादी के 75 साल के बाद भी बिहार को कहा जाता है कि अभी भी पिछड़ा प्रदेश है। एंड आई लॉस्ट द प्लॉट, फिर से करते हैं। अच्छा इसको भी एक बार शुरू से ही कर लेते हैं, बिकॉज मुझे साथियों आपने देखा कि किस प्रकार बिहार की जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, परंतु वह असफल रहे, इसमें नाकाम रहे। जाते जाते मेरा बिहार की जनता से यही अनुरोध है कि आप गुमराह ना हों और अपने वोट की कीमत जाने, वो बेहद ही बहुमूल्य है और इसका सही जगह पर मतदान करें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, नमो बुद्धाय।